जी व्यूवर्स, आप देखें कि जश्न आज़ादी का समा और बरान रहमत जो है वो हम पे बरस रही है और अदबी बरादरी, हमारे दोस्त, हमारे लिखारी यहाँ मौजूद हैं और हमने यहाँ पंजाब अदबी बैठक के में पनाह ली हुई है। तो अब मेरे नेक्स्ट जो मेहमान हैं वो हैं हमारी वन एंड ओनली दबंग, हमारी आपा महमूदा गाजिया साहिबा, बहुत अच्छा बोलती हैं, पीएनसीए में रहीं, अफसाना निगार, शायरा और कोऑपरेटिव खातून, इतने स्टूडेंट, इतने लोगों को उनको पढ़ाया, उनको तरबियत दी आर्ट के हवाले से। तो आइए उनसे सुनते हैं कि जश्न आज़ादी के हवाले से वो क्या दबंग बयान देती है। और हमारे सीनियर मोस्ट खवातीन और साथी, और मैं एक कम आएगा खातून अपने इजहार क्या करूं, क्योंकि जब से होश संभाला है, मैंने अपने कॉलेज के ज़माने में एक मुझे बेस्ट ऐसे राइटर का एक अवार्ड मिला था, तो एक जुमला लिखा था कि मुल्क बुरानों का शिकार है। इस बात को भी 40-45 से भी ज़्यादा साल गुजर गए और आज भी जब मैं बुढ़ापे की दहलीज के एंड पे हूँ तब भी मैं यही जुमला कहूँगी कि मुल्क बुरानों का शिकार है। और क्यों शिकार है ये हम आप सब जो मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो मैंने उस सिलसिले में मैंने एक इम्तियाज़ एक नज़म नुमा कहानी है अफाक की सुनहरी खिड़की से, कायद से खिताब है कि वो जो सामने खड़े हैं बहुत ही परेशान हाल है कि क्या हुआ। तो अगर आप फरीदा आप और रुखसाना और फरीदा आप तवज्जो से सुने, ए कायद किसी दिन चुपके से अफाक की सुनहरी खिड़की से नीचे झांको, हम किस अजाब माश और दहशत में नीम जिंदा है, हम किस तरह अपने खेत खलियान जलाए घर बैठे हैं, किस तरह से दरियाओं की रवानी रुक सी गई है, किस तरह पहाड़ रुई के गालों की तरह धुने जा रहे हैं। ए कायद किसी दिन चुपके से अफाक की सुनहरी खिड़की से नीचे झांको, हम तो वो थे कि जिन्होंने शाने के साथ शाना मिलाया, हाथों में लिए कुरान कदम से कदम मिलाया, हम तो वो थे जिन्होंने बच्चों के सुंदर चेहरे गहना दिए, हम तो वो थे जिन्होंने बच्चों के सुंदर चेहरे गहना दिए, घर बार वीरान लाशों के अंबार लगा दिए, सिर्फ इसलिए इस आस पे कि तुम साथ हो, सिर्फ इसलिए इस आस पे कि तुम साथ हो। तुम्हारा साथ हमें किसी छोटे बच्चे की तरह राहत देता जो अपने बाप की उंगली थामे मुश्किल राहों को अबूर कर जाता है। तुमने भी शफीक बाप बनकर हमें इस मुकद्दस धरती का मालिक बना दिया। मालिक? हाँ मालिक ही तो बन गए हम, अब अपने ही घरों को लूटे जा रहे हैं, अब हम अपने ही घरों को लूटे जा रहे हैं। शहर की राख से हिरसो हविस वालों के मुंह रंगे हैं, शहर की राख से हिरसो हविस वालों के मुंह रंगे जा रहे हैं। ए कायद किसी दिन चुपके से आफाक की सुनहरी खिड़की के नीचे झांको, तुमने तो कहा था कि धरती माँ है, तुम्हारे अरमानों तुम्हारे ख्वाबों की धरती के खेत खलियानों मैदानों में खुशबू और गुलाबों के रंग बिखरेंगे, ये सोच थी। तुम ठीक कहते थे, तुम सच थे, मगर ये सच कितनी मुद्दत महदूद के लिए था। अब तो सालेटिया के पंछियों ने भी यहाँ आना छोड़ दिया है, सूरज ने अपना मुंह हमसे ढांप के सियाह रात की बंद गार में धकेल दिया। इस गार के बाहर आग ही आग, शोले ही शोले हैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। ए कायद किसी दिन चुपके से आफाक की सुनहरी खिड़की से नीचे झांको, तुम्हारी ख्वाहिश थी कि ये धरती तमाम जहानों के लिए खुशियों और राहतों का की तजर्बे गाह बन जाए, तो ये धरती तजर्बे गाह बन गई। मजबूरों, मोहताजों और मस्कीनों की, बेबसों, बेसहारों, अफलास जदाओं की, बरहना लाशों, भूखे नोचते गिद्दों की। ए कायद तुम वहाँ अपनी आंखें तर करते होंगे और हम यहाँ।
अपने खुदा से कहना, ये ज़रा सुनिएगा, अपने खुदा से कहना कि तेरे चाहने वालों के लिए मैंने इसलिए आज़ादी का परवाना दिलाया कि तुम अब उनसे हाथ खींच लो। तेरे चाहने वालों के लिए मैंने इसलिए आज़ादी का परवाना दिलाया कि अब तुम इससे हाथ खींच लो। ऐ कायद, हो सके तो अपने खुदा को भी किसी दिन चुपके से आफाक की सुनहरी खिड़की से झांक के देखने की वजह बताओ। ऐ कायद, अब तुम इससे हाथ खींच लो। हो सके तो अपने खुदा को भी किसी दिन चुपके से आफाक की सुनहरी खिड़की से झांक के दिखाओ कि नीचे क्या हो रहा है। क्या कहें। ये 14 अगस्त जो है 75वीं सालगिरह, और 75 साल का जो बुज़ुर्ग होता है ना, वो भी खूंटी लेके चलता है, और बचपन और बुढ़ापा एक साथ साथ चलते हैं। और हम 75वीं सालगिरह पे भी सिवाय झंडियाँ लहराने के, बातें करने के, जलसे जुलूस करने के, अब पूरे साल हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती कि हमने आने वाले 75 साल में क्या करना है, अगले 14 अगस्त में क्या करना है। और ये खुशी का मौका नहीं है, ये इस वक्त मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, सब के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि हमने आइंदा क्या करना है, हमने नई नस्ल को क्या दिया। हम वो नस्ल थी जिन्होंने पाकिस्तान उभरता देखा, हमने 71 की वॉर भी देखी, हमने सारे दौर देखे, लेकिन उस जगह आके हम वहीं खड़े हो गए जहाँ से हमारे बुज़ुर्ग चले थे। और हम वो बुज़ुर्ग भी नहीं है कि हम अपने बच्चों को लेके साथ चलें और उनको बताएं कि बेटा किस तरह ये मुल्क बना था, क्यों बना था, फिर ये क्यों दो हुआ, और अल्लाह ना करे आने वाले वक्त में हमारे मुल्क खाक। हमारे बुज़ुर्गों ने, आप देखें, 75 साल पहले अपने घर छोड़ के आना, मेरे दादा मेरे वालिद छोड़ के आए, आज तो दो अपने एक इंच ज़मीन नहीं कोई छोड़ता, तो क्या मिला। आज भी हम 75 साल के बाद महाजिर हैं। तो ये जो ये सोच है, जिन लोगों ने कुछ नहीं किया वो लड़ लड़ के मर रहे हैं कि हमारा मुल्क है, हमारे ख़ानदान है, नानी दादी चाचा चाची मामून सब इसके वारिस बन गए, और जो वारिस थे वो बाहर खड़े। तो ये बच्चों के लिए जो है ना, कॉलेज यूनिवर्सिटी जो ग्रास रूट